अब तुम ठीक हो? काफी हद तक ठीक हूँ। जॉब को अपने जहन से निकालने में और खुद से जंग लड़ने में थोड़ा टाइम तो लग रहा है, लेकिन आज मैं अपने आप को घर से निकाल कर लाई हूँ। I'm really happy for you. लेकिन मैं आपके लिए हैप्पी नहीं, क्योंकि आप ना ही नायाब को अभी तक पा सके और ना ही अपनी जिंदगी का कोई डिसीजन ले सके। ले लेंगे कभी ना कभी जिंदगी का डिसीजन, तो मेरी फिक्र मत करो। कैसे फिक्र ना करूं? मैं जानती हूँ कि आप अंदर से कितने डिस्टर्ब और तनहा हैं। मामा भी आपकी वजह से फिक्रमंद रहती हैं कि आपकी एज निकली जा रही है और आपकी अभी तक शादी नहीं हुई, और जिसको आपने अपने दिल में बसाया उसे अभी तक मना नहीं सके। भाई, घर सिर्फ नौकरानियों से नहीं आबाद होता, एक लाइफ पार्टनर की जरूरत होती है, और आज मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ ताकि आप मुझे उससे मिलवाने लेकर जाएं, ताकि मैं जाकर उससे दो टोक बात कर सकूं। दो टोक बातों से अगर प्यार मिल जाता तो ये कोशिश मैं कई बार कर चुका हूँ। पर अभी तक उससे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। एक दो बार प्रपोज करने से कुछ नहीं होता। आप मुझे उससे मिलवाने लेकर जा रहे हैं और अब मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी। नहीं नहीं जावेद साहब, चाय की कोई जरूरत नहीं। दरअसल हम मिस नायाब से मिलने आए हैं। ये मेरी बहन निशा है और ये उनसे मिलना चाहती है। आप बुला सकते हैं प्लीज। मिस नायाब यहाँ से चली गई डॉक्टर साहब। चली गई तो कहाँ? मुझे इस कंपनी में दारुल अमान की दस्तकारियाँ वगैरह मार्केटिंग के लिए ले जाती थी। उस कंपनी का ऑनर आकर चले गया। वो एक नौजवान लड़का है और मिस नायाब की पहले से डील हो चुकी थी। वो उसे अपनी माँ की देखभाल के लिए एक अच्छी सैलरी मिलेगी। नौजवान लड़का पहले से भी माँ की देखभाल, बड़ी बहरत की बात है जावेद साहब, पर नायर ने तो जिक्र क्यों किया? अच्छा, आपने उस नौजवान का पता पता डिटेल्स नोट किए होंगे ना? जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं। मैंने रिटिन में उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखवा ली थी। मेरे पास फाइल में उसका पता मौजूद है। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन भाई, हमें तो उससे मिलना था ना? मिलना था, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। जाए सब हमें जा सकते हैं। जी बढ़िया।